हमें इस अमल के तोहफी का फरमाए जो अल्लाह को पसंद आ जाए इतने अच्छे अच्छे और इतने अच्छे अमल के बाद हमें इस पर उतरने वाला ना बनाए बल्कि खुद से डरने वाला और आजिज बंदा बनाए आमीन आमीन जजाक अल्लाह भाई अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमाए हम बिला किसी तखिर के आज की क्लास का आगाज करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन की सिफात पढ़ रहे हैं कि मोमिन की वो कौन सी सिफात है कि जिनके बारे में कुरान और हदीस रहनुमाई मिलती है कि कामिल मोमिन किस तरह बनता है अब तक अलहमद हम छः सिफात तफसल से पढ़ चुके हैं और आज हम सातवीं सिफत पर बात करेंगे मोमिन की सातवीं सिफत कौन सी है वो है मोहब्बत ये एक बहुत बड़ी सिफत है बहुत ऊंची सिफत है और ये अल्लाह तला का जो नाम है सिफाती नाम है अलदूद बहुत मोहब्बत करने वाला ये उसका परतो है उसकी परचाई है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों में भी डाल के रखी है देखें ईमान के तीन बड़े नतज होते हैं ईमान के तीन बड़े नतज है जिस बंदे का ईमान कामिल होता है जिस बंदे के अंदर ईमान होता है तो उसके तीन नतज जरूर सामने आते हैं सबसे पहली नतीजा ये होता है कि हर दिन के लिहाज से उस बंदे उस मुसलमान उस मोमिन की इखलाकी सतह को बुलंद कर रहा होता है वो ईमान वो ईमान उसकी इखलाकी इخला, सतह बुलंद करने का जामिन होता है जिस बंदे की इखलाकी सतह बुलंद ना हो रही हो ये समझ जाइए वो बंदा खुद समझ जाइए कि उसके ईमान में कोई कमजोरी है दूसरा दूसरा नतीजा क्या है उसकी इल्मी सतह बुलंद हो रही होती है ईमान के साथ साथ उसके सोच में उसके फिक्र में क्लैरिटी आ रही होती है उसके बसीरत में इजाफा हो रहा होता है उसकी सही और गलत की जो पहचान है वो ठीक हो रही होती है वो सही और गलत की पहचान सही तरह से कर रहा होता है ये ईमान का दूसरा बड़ा नतीजा बड़ा नतीजा है और तीसरा बड़ा नतीजा ये होता है कि उस ईमान के नतीजे में उसके ओक़ जमालियात जो है ना उसको एक नई रफ्त वो अता होती है वो क्या होती है कि वो किसी भी काम को खूबसूरत अंदाज से करने की लगन या काम का हक अदा करने की ख्वाहिश या किसी काम को कमाल तक पहुंचाने की जस्तरजू और दहाइया उसके अंदर मौजूद होता है जिस हद के अंदर ये मौजूद ना हो वो बस काम से जान छुड़ाता हो तो आप समझ जाइए कि उस बंदे के ईमान के अंदर कोई कमजोरी है जरूर बस जरूर, जरूर। यानी वो बंदा अच्छा काम अच्छे ही अंदाज से करना चाहे और खैर की बात को वो खूबसूरत अंदाज से ही करे खैर की बात अगर हम गलत अंदाज से करेंगे अगर खैर की बात हम शर के तरीके से करेंगे अगर खैर की बात हम गलत तरीके से करेंगे तो वो अब वो हमारे उस ईमान को नुकसान पहुंचा रहा होता है और हमारे ईमान के नुकसान का नतीजा होता है वो तो बाद में पूरा पूरे माशरे को उसको नुकसान भुगतना पड़ता है ये ईमान के तीन बड़े नतीजे होते हैं अब मोहब्बत मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपके जहन मोहब्बत क्या है आपके जहन में मोहब्बत की तारीफ क्या है मुझे मुख्तसर बता दीजिए कि मोहब्बत क्या है आपके ख्याल में काइंडनेस अच्छा सलूक करना और अच्छा इखलाक ग्रेटफुल गुडनेस शफकत और देने का नाम पॉजिटिव इमोशंस माशाल्लाह बुरान आप समझ गए माशाल्लाह पॉजिटिव इमोशंस अपना आप निचावर कर देना बहुत अच्छे बहुत अच्छा हमारे अच्छा। उस्ताद है सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब वो मोहब्बत की बहुत एक खूबसूरत तारीफ करते हैं बहुत खूबसूरत अंदाज से मोहब्बत को डिफाइन करते हैं मोहब्बत देने का अमल है देने का मोहब्बत देने का अमल है मोहब्बत देने के अमल को कहते हैं जो लेने का अमल होता है उसको हवस कहते हैं हवस जो मोहब्बत की जिद है यानी अगर तबीयी रुझान के तहत लगाव की सूरत पैदा हो जाए किसी के साथ या किसी चीज के साथ जिसमें देने का जज्बा तो कम हो मगलूब हो लेकिन लेने का जज्बा गालिब हो उसे हवस कहते हैं मोहब्बत नहीं कहते हैं हम आजकल हवस और मोहब्बत को कंफ्यूज कर रहे हैं हम हवस को मोहब्बत का नाम दे रहे होते हैं मोहब्बत देने का अमल है मोहब्बत हमारे अंदर कुर्बानी, ईसार और बेलोसी उसकी काबिलियत हमारे अंदर पैदा करती है जितनी मोहब्बत बढ़ती जाएगी उतना अपने अंदर कुर्बानी और ईसार और उतना अपने अंदर वो जो सेल्फलेसनेस का जज्बा है ना वो उतना ही बड़ा होता जाता है ये मोहब्बत असल चीज होती है और मोहब्बत की ताकत क्या है यही मोहब्बत होती है यही इश्क होता है कि जब ये किसी चीज पर मरकूज हो जाती है तो फिर इंसान इसके हसूल के लिए जान की बाजी लगा देता है चाहे किसी को कौम से हो जाए या जमात से हो जाए या माल दौलत से हो जाए या किसी दुनियाई मनसब के साथ हो जाए या किसी मकसद के साथ हो जाए या किसी नसबुल जिसको हम विजन कहते हैं या किसी विजन के साथ हो जाए तो फिर जब बंदे को वो वाली मोहब्बत हो जाती है जो असल वाली मोहब्बत इश्क होती है वो उसके अंदर फिर अपनी पूरी जान की बाजी लगा देता है और उसके नतीजे में वो उस तरह के काम सर अंजाम दे रहता है कि अकल इंसानी हैरान हो जाती है आप हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद है तारीख गवाह है जिस शख्स ने किसी चीज से किसी जो भी किसी चीज से जिस ऐसी मोहब्बत की है जैसी मोहब्बत होती है असल मोहब्बत वो उसने फिर उसमें इस तरह के कारनामे सर अंजाम दिए है कि आज तक लोग हैरान है कि एक बंदे ने इतना काम कैसे कर लिया यानी जब भी किसी इंसान किसी इंसान की मोहब्बत का मरकज और उसका महवर यानी उसका जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही चीज बन जाए तो वो बंदा दिल की गहराइयों से उसका गुलाम और उसका बंदा बन जाता है और यही मोहब्बत इंसान की तमाम परेशानियों और तकलीफों का सबब भी बन जाती है जब गलत जगह होती है और यही मोहब्बत इंसान की सारी परेशानियों और तकलीफों का हल और इलाज भी बन जाता है जब सही जगह होती है ये डिपेंड करता है मोहब्बत कहां पे होती है किससे होती है अच्छा अगली बात मोहब्बत क्यों की जाती है अमूमा मोहब्बत क्यों की जाती है ठीक इंसान हमेशा दो चीजों से मोहब्बत करता है एक जो नफ़ा देती है नफा बख्श चीजें दूसरा हुस्न और कमाल को देखते हुए इंसान मोहब्बत करता है यानी माल को देखकर इंसान माल से मोहब्बत करता है रिश्तों से इंसान मोहब्बत करता है वालदेन से भाइयों से जमाल से इंसान मोहब्बत करता है किसी कमाल से इंसान मोहब्बत करता है चीजों से इंसान मोहब्बत करता है लोगों से इंसान मोहब्बत करता है लेकिन अगर इंसान को ये पता चल जाए कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं इन सारी की सारी चीजों में जो खूबसूरती है जो कमाल है इन सारी की सारी चीजों में जो फायदा है जो नाफीत है वो असल में अल्लाह ही की तरफ से आ रही है इन सब में वो अल्लाह ही की सिफात के परतों हैं अल्लाह ही की सिफात की परछाइयां हैं तो इंसान अपनी मोहब्बत का मरकज अल्लाह के अल्लाह पर ले आएगा अल्लाह ताला को अपने मरकज अपनी मोहब्बत का मरकज और अपनी मोहब्बत का मेहर बना देगा अगर इंसान को यह बात पता चल जाए जिससे ये साबित होता है कि असल जो मोहब्बत का हकदार है असल जो मोहब्बत का असल हक रखता रक है वह अल्लाह ते और यही हमारी ईमान की तकमील है हदीस शरीफ में आता है हजरत अबू उमामा रजी रजियाल से रिवायत है कि रसुल्ला ने फरमाया जिसने अल्लाह ही की रजा के लिए मोहब्बत की और अल्लाह ही की रजा के लिए दुश्मनी की अल्लाह ही के रजा के लिए दिया अल्लाह ही के रजा के लिए मना कर दिया तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर दिया उसने अपना ईमान मुकम्मल कर दिया यानी वो उस तरह से मोहब्बत करे अल्लाह से और उसके रसूल से कि उसके बाद वो नहीं मैंने कहा ना देने का अमल है वो अपना सब कुछ दे दे अगर वो उस मकाम पर पहुंच जाता है तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर दिया अगर वो उस मकाम तक नहीं पहुंचा तो इसका मतलब ये है कि उसके ईमान में अभी भी खामी है उसका ईमान अभी भी मुकम्मल नहीं है उसको हम कामिल ईमान नहीं कहेंगे और वो जिससे मोहब्बत कर रहा है चाहे वो लोग हैं चाहे वो चीजें हैं अगर वो अल्लाह की खातिर है तो इसका मतलब ये है कि उस वो उसके ईमान में इजाफा कर रहा है अगर वो अल्लाह की खातिर नहीं है किसी और चीज की खातिर है तो इसका मतलब ये है कि वो उसके ईमान को नुकसान पहुंचा रहा है तो इंसान की तकमील जो है ईमान की तकमील और इंसान की तकमील वह होती ही मोहब्बत के नतीजे में है और बेलोसी के नतीजे में है जब इंसान अपनी जात को किसी और चीज पर फोकत देता है सेल्फलेस कर देता है अपने आप को अगर वो किसी मकसद से मोहब्बत करता है तो वो अल्लाह के साथ जुड़ा हुआ मकसद होता है वो उसके अलावा नहीं होता और इसी के नतीजे में फिर इंसान अखलाक के आला दर्जा पर तो पहुंचता है इसी बेलोसी और इसी सेल्फलेसनेस से उसी मोहब्बत के नतीजे में इंसान अखलाक के दर्जा तक तो पहुंचता है जब वो दूसरों को खुद पर मुकर्रम करता है और दूसरों के लिए कुर्बानी का जज्बा अपने अंदर जिंदा रखा होता है ज्यादा होता है उसके अंदर वो जज्बा तब उसके ईमान की तकमील होती है एक और आयत है बकरा की जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान का जो बुनियादी तकाजा है वो बताया है ومن الناس من, يتخذ من دون الله 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 يحبونهم يحبونهم كحب يحبونهم كحب والذين آمنوا أشد حبا لله. और उसके बावजूद लोगों में कुछ वो भी हैं जो अल्लाह के अलावा दूसरों को उसकी खुदाई में इस तरह शरीक करार देते हैं कि इनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसे अल्लाह की मोहब्बत रखनी चाहिए देखिए कितनी बड़ी बात है बाज इंसान को पता नहीं चल रहा होता वो अल्लाह के अलावा चीजों से ऐसी मोहब्बत कर रहा होता है कि जैसी मोहब्बत अल्लाह से उसको करनी चाहिए होती है लेकिन वो भूल रहा होता है और आगे फरमाते हैं कि जो लोग ईमान ला चुके हैं वो अल्लाह ही से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखते हैं हदीस शरीफ में आता है कि भरोजा क्यामत अल्लाह तला के कोई खास बंदे होंगे वो कौन होंगे आप वसल्लम ने फरमाया कि सात तरह के आदमी होंगे जिनको अल्लाह उस दिन अपने साय में जगह देगा जिस दिन अल्लाह के साय के सिवा कोई साय नहीं होगा अव्वल इंसाफ करने वाला बादशाह दूसरे वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में जवानी की उमंग से मसरूफ रहा यानी जवानी में जिसने अल्लाह की इबादत की है जवानी में इबादत करना बड़ा मुश्किल होता है कोई आसान काम नहीं है अल्लाह अगर इस पर इतना बड़ा अजर दे रहे हैं इसका मतलब यही है कि जवानी की इबादत बहुत मुश्किल है अल्लाह अगर किसी बादशाह बादशाह इंसाफ आदिल बादशा को इतना बड़ा दे रहा है इसका मतलब यह है है कि जब बंदा बादशाह बनता है, तो उसके लिए इंसाफ बहुत मुश्किल होता है तीसरा ऐसा शख्स जिसके दिल जिसका दिल हर वक्त नशे में लगा रहता है चौथे दो ऐसे शख्स जो अल्लाह के लिए बाहम मोहब्बत रखते हैं और उनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद यही अल्लाह के लिए मोहब्बत हैदका कि किया मगर इतने पोशीदा तौर पर कि बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई कि दाहने हाथ ने क्या खर्च किया आज हम सोशल मीडिया पर क्या कर रहे होते हैं किसी को जो है वो साबुन एक साबुन भी दे रहे होते हैं तो उसकी जो है वो दस तस्वीरें ले रहे होते हैं सातवा वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता अंकों से आंसू जारी हो गए अल्लाह तला ऐसे बनाए ताकि हम क्यामत के दिन अल्लाह तुमार हो जाए एक और हदीस बड़ी मजेदार अदीस है <laughs> रसूल ने फरमाया कि तीन खसलतें यानी तीन खूबियां ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाए उसने ईमान की मिठास को पा लिया जो चाहता है ना वो ईमान की मिठास को पालू जो चाहता है कि मैं ईमान को ऐसे महसूस करूं ना कि मेरा मुझे मजा आ जाए उसको क्या करना चाहिए पहली चीज कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नजदीक सबसे ज्यादा महबूब बन जाए दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत रखे और तीसरा ये कि वो कुफर में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा मानता है यानी इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला से खालिस मोहब्बत रखने वाला कौन है वो जिसकी तमाम मोहब्बतें जिसकी तमाम चाहतें अल्लाह की मोहब्बत और खुशतुदी के ताबे हो जाए जो अल्लाह के तला के नाम लगी हुई और उसकी नामजद की हुई तमाम चीजों से हसप मरातब मोहब्बत रखे यानी अल्लाह ताला से कामिल मोहब्बत क्या होती है अल्लाह ताला से जुड़ी हुई जो चीज है अल्लाह ताला से निस्बत जिन चीजों को है उन सब से मोहब्बत और अल्लाह ताला की तरफ से जो चीज आई है उससे उसके मुताबिक मोहब्बत करना मैं यहाँ पर मैंने हसब मरातब को हाईलाइट किया है इसकी एक वजह है मैं भी बताता हूं तो सबसे पहले हमारी मोहब्बत का हकदार क्या है अल्लाह के बाद कौन है, वो सल्लम है। जो हमारे लिए अल्लाह ताला का सबसे बड़ा तोहफा है हमारे लिए अल्लाह ताल की हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा यही है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से हैं तो अल्लाह तला की मोहब्बत जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बगैर वो नामुकम्मल है वो हो ही नहीं सकती उसको अल्लाह की मोहब्बत हम कहेंगे ही नहीं अगर उस पर अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है और वो मोहब्बत क्या है मैं आगे बताऊंगा दूसरा सहाबा कराम से उसी तरह मोहब्बत हो किताबुल्लाह से मोहब्बत हो अलियाल्ला से मोहब्बत हो जो सारी जिंदगी अल्लाह का दीन फैलाने के लिए वफ कर देते हैं से मोहब्बत हो अहकाम से उसी तरह मोहब्बत हो क्योंकि वह अल्लाह के अहकाम होते हैं बैतूल्ला से मोहब्बत हो क्योंकि उसकी नस्बत अल्लाह तला से जुड़ी हुई है मसाजिद से मोहब्बत हो क्योंकि अल्लाह तला के घर हैं और अगर मसाजिद को कोई नुकसान पहुंच रहा होता है तो उतना ही हमारे दिल को तकलीफ हो रही हो वाले से मोहब्बत इसलिए हो कि अल्लाह ताला ने इन्हें मेरे वालदेन बनाए हैं और अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इनसे मोहब्बत करूं इसलिए मैं इनसे मोहब्बत कर रहा हूं मैंने पीछे लिखा था कि हसब मरातब मोहब्बत हो मुराद यह है कि वालदेन से उस वक्त उस हद तक मोहब्बत हो जिस हद तक अल्लाह ने इजाजत दी है अगर वाले मुझे शरीयत के खिलाफ दीन के खिलाफ अल्लाह के हुक्म के खिलाफ हुक्म दे रहे हो तब मैं वालदेन का हुक्म ना मानूं बल्कि अल्लाह का हुक्म मानूं। ऐसा ना हो कि मैं वालदेन को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर रहा हूं इसलिए मैंने कहा था हस बे मरातब हसब मरातब उन चीजों से मोहब्बत हो उन लोगों से मोहब्बत हो जो अल्लाह तला से जुड़े हुए हैं अल्लाह तला के नामजद किए हुए हैं वाले से मैं इसलिए मोहब्बत करता हूं कि अल्लाह ने उन्हें मेरे वाले बनाए हैं तो मैं उस हद तक मोहब्बत करूंगा जहां वो मुझे अल्लाह का की तामील के मुताबिक हुक्म करते रहे जिस दिन वो मुझे ऐसा हुक्म करेंगे कि जो मुझे अल्लाह के खिलाफ अल्लाह के हकाम की खिलाफ वर्जी का हुक्म दे रहे हो उस दिन में वालदे की हुक्म की खिलाफ वर्जी करूंगा उनकी अतात नहीं करूंगा मेरी बीवी मेरा शोहर ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इनाम मिले हैं तो मैं उनसे इसलिए मोहब्बत करूं कि क्योंकि अल्लाह ने मुझे अता किए हैं इसलिए नहीं कि वो खूबसूरत है इसलिए नहीं कि वो फर्मादार है बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने मुझे अता किए बीवी मेरी किस्मत में आ गई है यही ये बीवी तो इसलिए मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ ये शोहर अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है तो इसलिए मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इससे मोहब्बत क्या है कि जैसा अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया है कि इनसे मोहब्बत किस तरह करनी है इनसे ताल्लुक किस तरह बनाना है इनके साथ जिंदगी किस तरह गुजारनी है उस तरह की जिंदगी में गुजारूंगा इनके साथ और अगर मेरी बीवी या मेरे शोहर के नतीजे में मेरे ईमान को खतरा हो रहा हो मैं मेरे ईमान को नुकसान पहुंच रहा हो तो उस वक्त मैं अल्लाह ताला की तरफ चला जाऊं मैं उस बीवी या उस शोर के एहता ना कर रहा हूं औलाद इसलिए मुझे महबूब हो क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये औलाद दी है और कहीं ये औलाद मेरे लिए फितने का बायस ना बने कहीं ये औलाद मेरे लिए अल्लाह की नाफरमानी का बायस ना बने रिश्तेदार इसी तरह रिश्तेदारों के बारे में इसी तरह दोस्त अगर मेरे दोस्त मुझे अल्लाह से दूर कर रहे हैं अगर मेरे दोस्त की कंपनी मुझे अल्लाह तला की नाफरमानी में मुब्तला कर रही है तो वो दोस्त उसी वक्त में छोड़ दू ये अल्लाह मोहब्बत का तकाज़ा है इसी तरह मेरा जिसम मैं मेरा जिसम का मुझ पर हक है मैंने इसका हक अदा करना है क्योंकि अल्लाह ताला का दी अमानत है लेकिन इस जिसम का हक अदा करते हुए मैं अल्लाह ताला की नाफरमानी ना कर लूँ अल्लाह ताला की मोहब्बत का तकाजा यह है कि मैं हलाल खिलाऊं इस जिसम को हराम में ना इंगेज हो जाऊं इसके अलावा जो भी चीजें हैं जो भी लोग हैं ये अल्लाह तला की मोहब्बत क्या है अल्लाह तला की मोहब्बत का असल हक क्या है ये मैंने आपको बता दिया मुख्तसर देखें माशरा हमारा पस्ती में कब जाता है इकबाल ने बड़ा एक खूबसूरत शेर बोला है कि कुवत इश्क से हर पस को बाला कर दे दहर में इसके मोहम्मद से उजाला कर दे मुराद क्या है इसकी यानी जब कुवत इश्क ना हो जब मोहब्बत ना हो जब मोहब्बत के बजाय माशरे में हवस आ जाए जब माशरा हवस का और हिरस का शिकार हो जाता है जब माशरा जब कोई इंसान अपनी ख्वाहिशात से मगलूब हो जाता है जब वो अपनी तबीयी रुझान अपने नफ्स के ऊपर चलना शुरू कर देता है जब वो अपनी तबीयत और दा, के दायात से मगलूब होकर जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है तो उस वक्त माशरा पस्ते में पस्ती में चला जाता है और इस पस्ती से निकालने का वाद हल क्या है वो इश्क है वो मोहब्बत है इश्क से हर पस को बाला कर दे कौन सी इश्क कौन सी इश्क दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे वो इश्क रसूल वसल्लम की इश्क और वो इश्क जो उन्होंने अल्लाह ताला से की है क्या बेहतरीन शेर है इकबाल का ये यानी हम वो इश्क करें इस, इस शेर से दो बातें समझ आती हैं कि अगर हम उस इश्क करना चाहते हैं तो शुरुआत हम रसूल से करें हम उससे इश्क करें वो हमें अल्लाह तक पहुंचा पहुंचा देगा दूसरा मतलब ये भी है कि जैसा इश्क अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने किया है तो इसमें मोहम्मद से इश्क का क्या मुराद है कि जब बुखारी शरीफ की हदीस है कि रसूल फरमाया तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा यानी ईमान वाला ना होगा जब तक उसके वालिद, उसकी औलाद उस, उस तमाम लोगों से ज्यादा उसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए तब तक उसका ईमान नहीं है ईमानदारी नहीं हो बंदा वो मोमिन ही नहीं है देखें यही मोहब्बत थी रसूल वसल्लम की यही मोहब्बत थी रसूल जो दीन लाए थे उसकी मोहब्बत थी कि अरब माशरा वो कुवत इश्क से इसी कुत इश्क से बुलंदी की उस चोटी पर पहुंच गया से, से, से निकलने के बाद उन्होंने इस इश्क रसूल से कौन सा मुकाम हासिल कर लिया पहली मिसाल मुआत की मिसाल है जब मुसलमानों ने हिजरत की मदीना में तो वो जो मवाद की मिसाल उस वक्त कायम की है वो जो बेलोसी वो जो देने का अमल वो जो मोहब्बत असल में वहां पे साहबा ने पेश की अंसार ने आज भी तारीख उस तरह की दोबारा वो तारीख नहीं दोहराएगी उसकी मिसाल कभी नहीं दोहराएगी आप तायफ का मुकैद देखे तायफ में रसुल्लाम जा रहे हैं उनको क्या देने के लिए जा रहे हैं ईमान की दौरा देने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने पत्थरों से मारा है और खून खून कर दिया है जूते खून से भर गए यानी इतना मारा है इतनी तकलीफ बन चाइए फरिश्ते आए हैं कि आप हुक्म करें हम अभी ये गर्व कर देंगे इस ताइफ को लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकता है इनकी औलाद में कोई आए वो ईमान है। ये मोहब्बत है देने का अमल देने का अमल इसे कहते हैं कि आप देते रहें देखें अल्लाह ताला अल्ला की मोहब्बत एक बहुत बड़ी अजीम नियमत है और ये नियमत कैसे हासिल की जाए इसका इलाज क्या है या इसका हल क्या है तो उस हवाले से कुछ गुजारिशात हैं उससे पहले एक वसूली बात समझ लें देखें अल्लाह ताला अल्ला की मोहब्बत एक जज्बा है और किसी भी जज्बे को पैदा करने के लिए असूली बात यह है कि जिस जज्बे के जो आसार और अमत हैं उन्हीं आसार और अलामत को उस जज्बे के हसूल की खातिर बतकल्लुफ़ इख्तियार किया जाए तो इन वो जज्बा नसीब हो जाएगा यानी जो जज्बा आप चाहते हैं तो उस जज्बे के जो आसार और अमामत हैं वो आप इख्तियार करें बतकल्लुफ़ ठीक है मिसाल मैं आपको मिसाल देता हूँ एक हदीस से मिसाल देता हूँ हदीत से एक हजरत अबू हुर रजियाल्ला से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल से शिकायत की कि उसका दिल बहुत सख्त है आपने उससे कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए तो मस्किन को खाना खिलाओ और ये तीन के सर पर हाथ फेरो देखें यहां पर दिल की नरमी मेहरबानी एक जज्बा है एक सिफत है वो अगर लाना है तो उसके जो असरात हैं, जो उसके आसार है उसके जो अलामत हैं, वो इख्तियार करने पड़ेंगे वो क्या है कि आप मस्किन को खाना खिलाओ आपका दिल सख्त भी है ना तो आप बतकल्लुफ मिसकी को खाना खिलाओ आप यतीम के हाथ पे सर फेरो बतकल्लुफ करते रहोगे तो इनशा अल्लाह मेहरबानी का जज्बा डाल देगा ये समझ लिया अब अल्लाह तला की मोहब्बत के आसार और अलमत क्या हैं कि अगर हम वो इख्तियार करें तो इनशाला हमें अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए सबसे पहली चीज उसकी यह है कि वसल्लम से कामिल मोहब्बत और इसकी उसकी अतःत उसकी इतबा इसको हम लाजिम पकड़ लें ये हमें अल्लाह की कामिल मोहब्बत तक ले जाएगा इन मुराद क्या है मेरी अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है ये हमें कामिल ईमान तक पहुंचाएगा जब तक क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक उसके वालिद और उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो रसूल से कामिल मोहब्बत की क्या मुराद है कि रसुल्ला की जिंदगी को पढ़ा जाए और उसकी कामिल इतवा की जाए उसकी कामिल इतबा की कोशिश की जाए हर वक्त रसूल वसलम से मंसूब हर चीज से मोहब्बत और अकीदत यानी जो रसोलम से मंसूब कोई भी चीज है उससे मोहब्बत और अकीदत बे इंतहा मोहब्बत और अकीदत उससे और हद तमकान ज्यादा से ज्यादा सुनतों को अख्तियार करना है ये हमें रसोलम की इस मुह, कामिल मोहब्बत तक ले जाएगा और दुरुशरीफ की कसरत ये चार चीजें हैं और भी ये बहुत सारी चीजें लेकिन बहरहाल ही मैंने मुख्तम बता दिया ये हमें रसोल्लासल्लम की कामिल मोहब्बत तक ले जाएगी और उसके बाद और रसोलम की कामिल मोहब्बत में ही अल्लाह तला की मोहब्बत शामिल और ये दोनों लाजिम मंजूम देखिये मोहब्बत दिखानी नहीं पड़ती कभी कि मुझे मोहब्बत है रसोलस से ना बताना पड़ता है ना बताने की जरूरत होती है मोहब्बत खुद बखुद नजर आ जाती है खुद बखुद नजर आ जाती है देखिए हमारे यहाँ कुछ बहुत बड़ी गलतियां होती है इस हवाले से खास तो पर रसोल की मोहब्बत के हवाले से बहुत संगीन गलतियां होती है सबसे पहली गलती ये होती है कि हमारे यहाँ बादनतों का मजाक उड़ाया जाता है ये बहुत बड़ी ये बहुत बड़ी जरूरत की बात है कि रसोलम की किसी सुनत का मजाक उड़ाया जाए और इस बात का इम्कान है कि अल्लाह तला हमेशा के लिए वो ईमान या रसूल की अत का जो जज्बा है वो छीन लें। दूसरी बड़ी गलती हमें अगर किसी चीज के बारे में पता चलता है कि सुन्नत है ये, तो हम कहते हैं सुन्नत ही तो है इसीलिए उसके करने की क्या जरूरत है तो साहबा तो सुनतें पूछा करते थे उस पर अमल करने के लिए कहीं कहीं से कहीं से किसी सुनत का पता चले ताकि हम उस पर अमल करें और हम सुन्नत पूछते हैं इस नियत से कि यार उसको छोड़ दे कि सुनत ही तो है कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है तीसरी बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि जो बंदा हमारे आस पास हमारे माशरे में हमारे घर में जो अल्लाह जो रसोलम की सुनतों को इख्तियार कर रहा होता है हम उसका मजाक उड़ाते हैं इतनी बड़ी गलती है ये देखें अगर वो कोई छोटी सी सुनत भी इख्तियार कर रहा है कोई छोटी सी सुनत भी इख्तियार कर रहा है वो और खुदा ना खास्ता कोई इसका मजाक उड़ा रहा है तो इस बात का इम्कान है कि अल्लाह ताला उससे हमेशा के लिए सुन्नतों को इख्तियार करने का जो तोफीक है वो छीन ले उससे और ये जो बंदा इख्तियार कर रहा है छोटी सुन्नत इख्तियार कर रहा है इसको अभी बड़ी सुन्नत की तोफीक नहीं हुई लेकिन इसी छोटी सुनत को इख्तियार करने की वजह से अल्लाह तला उसे बाकी बड़ी सुनतों को इख्तियार करने की तोफीक भी अता फरमाए तो हम बहुत गौर बहुत सोच समझ कर जो है कोई बात करे किसी के सामने सुनत के बारे में और छोटी सी छोटी सुन्नत भी काबिल तबाह और काबिल सद एहतराम और मोहब्बत हमारे लिए कोई बंदा छोटी सी छोटी सुन्नत को भी अगर फॉलो कर रहा है तो ये उसको कभी ना कहें कि अच्छा बाकी सुनतों पर कौन सा अमल कर दिया आपने जो ये सुनत अमल कर रहे हो अल्लाह के बंदे हो सकता है इस सुनत पर अमल के नतीजे में अल्लाह तला उसको बाकी सुनतों की तोफीक दे आप क्यों उस पर एतराज कर रहे हो उसका मजाक उड़ा रहे हो कहीं आपसे तोफीक न छिन जाए किसी ने दाढ़ी रखी है तो आप क्यों उसका मजाक उड़ा रहे हो तो सबसे पहली चीज क्या थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु के से कामिल मोहब्बत और इतबा दूसरी चीज क्या है उसके आसार और अल्लाह ताला अल्ला का कसरत से जिक्र और तीसरी चीज अल्लाह के नाम को अदब से लेना अल्लाह तला के अंबिया अहकाम किताबों का मुकम्मल एहतराम और उन पर ईमान आसमानों और ज़मीनों की चीजों में गौर और फिक्र करना जो अल्लाह तला के जो भी निशानियाँ हैं उस पर गौर और फिक्र करना यह हमें अल्लाह तला की मोहब्बत तक ले जाएगा इन शाह शायर जितने भी हैं चाहे मसाजिद हैं चाहे जो भी हैं उनका एहतराम और उनका अदब और आखिर में ये एक हदीस है हमारा वक्त भी खत्म होने वाला है अजीब एक बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक हजरत अनस रजी रजिया रिवायत करते हैं कि एक साहब जो थे या उसका नाम जुल खवैसरा था या अबू मूसा था उसने रसूल से क्यामत के बारे में पूछा कि क्यामत कब कायम होगी इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने क्यामत के लिए तैयारी क्या की है ये तो बताओ कि तुम्हें क्यामत पूछ क्या के बारे में पूछ रहे हो उन्होंने अर्ज किया कुछ भी नहीं सिवाय इसके कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत रखता हूँ

और उमर से मोहब्बत रखता हूं और उनसे अपनी इस मोहब्बत की वजह से उम्मीद रखता हूं कि मेरा हशर इन्हीं के साथ होगा अगरचे मैं इन जैसे अमल ना कर सका ये हजरत अनस फरमा तो हम जिससे मोहब्बत कर रहे हैं खूब सोच समझ कर करें क्योंकि उन्हीं के साथ हमारा हशर होगा और मोहब्बत हमारे अमल से जाहिर होगा कि हम किससे क्या मोहब्बत कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम मुनाफकत की तरफ चले जाएं। हम बजायर तो कुछ कह रहे हो लेकिन हमारा अमल कुछ और कह रहा हम बजायर तो ताला की और रसूल की मोहब्बत के दावे कर रहे हो लेकिन हमारी रातें हमारे दिन हमारे औकात किसी और कामों में गुजर रहे हो जिसके साथ मोहब्बत होती है तो फिर सारा का सारा वक्त या अक्सर वक्त उसी के ही कामों में लगता है अल्लाह तला हमें रसोलम की ये मोहब्बत अता फरमाएं और अल्लाह ताला की कामिल मोहब्बत हमें अता फरमाएं हमारी आज की क्लास यहीं तक थी बिल्कुल वक्त ख़त्म होने वाला है तो मैं इनशाला आप लोगों के सवाल के जवाब भी देता रहूँगा तो इनशल्ला जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी कल के सेशन में और आप लोगों से बहुत दौ की दरखास्त है असल वरहमल वर्का